आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। तालाब भूमाफियाओं की गिरफ्त में, नोटिस के बाद भी नहीं हटा कब्जा। जनपद औरैया की प्रथम तहसील दिवस अजीत मल में डीएम श्रीकांत मिश्रा ने गर्मी के मौसम आने पर पेयजल व जल निगम को चेताया और कहा कि जहां भी तालाब पोखरे हों साफ सफाई करा कर पानी की व्यवस्था दुरुस्त करें ताकि घरेलू व जंगली जानवर प्यासे न रहें। वहीं पर अजीत मल क्षेत्र के ग्राम सांफर के दीप किशन ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के तालाब पर भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, जिसकी गत 5 वर्षों से शिकायत की जा रही है, परंतु आज तक कब्जा नहीं हटा। क्या नाम है भैया, आप कहाँ के निवासी है? ग्राम सांफर, पंचायत सांफर, ग्राम पंचायत सांफर। नाम क्या है? दीप किशोर तिवारी। क्या समस्या है आपकी? तालाब पर कब्जा नाजायज लोग किए हुए हैं, घर बनाए हैं, मकान पूरा पाट दिया है उन्होंने। कब से आप शिकायत करते आ रहे हैं? 2013 से लेकर के शिकायत बराबर की जा रही है, लेकिन सुनाई नहीं हो रही है। तालाब बिल्कुल फट गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पर मतलब मुकदमा लिख गया है, नोटिस जा रही है, नोटिस जाने कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चली, लेकिन उसकी कोई नाप तौल होनी नहीं है। बरसात का सीजन है, पानी मोहल्ले का कहाँ जाएगा, आधी गांव का पानी आता है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि आपका जो लोहिया आवास बना है वो भी अवैध कब्जे की जगह में बना हुआ है। वो मेरे खुद की जगह है, मेरे पुरखों की जगह थी, उसका रकबा दे दिया है। अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है कि आपका जो लोहिया आवास बना हुआ है वो अवैध कब्जे की जगह पे है, जिसकी आपको कई बार नोटिस भी दी जा चुकी है। ये बात सही है या नहीं है? नहीं, कोई नोटिस एक बार गया था, उसका जवाब सवाल वकील से होके दे दिया तहसीलदार को। आपको आपके नाम से एक बार नोटिस दिया गया है? हाँ, एक बार नोटिस, एक नोटिस आई आपके नाम, नोटिस आया, उसी का जवाब दे दिया। पैतृक भूमि पे बना है, अपनी पैतृक भूमि पे बना है वो लिखे। ठीक, शुभ नाम आपका और आप क्या है? मेरा नाम, मैं यहाँ के ग्राम प्रधान पति हूँ। किस गाँव के? ग्राम पंचायत सांफर। भाई, ये जो आपके गांव में एक मामला आया है तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर के, जी, और कुछ लोगों के खिलाफ बराबर नोटिस आ रही है, इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कारण है? अब क्या है, हम लोग लेखपाल साहब ने भी और हम लोगों ने काफी पहले कर दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वो लोग कोर्ट कार्रवाई करते हैं, वहां पे जाते हैं, तारीख भी पड़ती है उन लोगों की। एक शिकायतकर्ता ने आज शिकायत दी है कि उसका क्या नाम लोहिया आवास बना हुआ है, लोहिया आवास की जगह को अधिकारी कर्मचारी अवैध कब्जा बता करके उसको नोटिस दिए जा रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले तो कोई नहीं बता रहा था कि अवैध कब्जा वहाँ पर है, उसके बाद बनने के बाद सब कुछ ही सब लोग कह रहे हैं ये चीज़। यानी आपका कहना ये है कि लोहिया आवास बन जाने के बाद में सबको अवैध कब्जा नजर आने लगा? उससे पहले कोई नहीं था, खाली पड़ी जगह, तब कोई नहीं कुछ कह रहा था। ठीक ठीक, थैंक यू। सर, शुभ नाम आपका क्या है और कहाँ पर किस अस्पताल में तैनात है? डॉक्टर सोमदत्त प्रजापति नाम है मेरा, और UPSC सांफर पोस्टेड। सर, अपने अस्पताल में देखा गया है कि बाहर गंदगी और अस्पताल के गेट पर अवैध कब्जा हो रहा है, क्या इस संबंध में आपने किसी आला अधिकारी को या अपने विभाग? इससे पहले कई जगह अधीक्षक जो हमारा जस्ट सीनियर होते हैं उनको इस बात पर एप्लीकेशन और सारी चीजें अवगत करवा चुके हैं पहले से। जी, फिर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्या? एक दो बार कार्रवाई हुई है, लेकिन बाद में फिर कोई ऐसा हुआ नहीं। सर, अपने प्रदेश में और देश में सबसे ज्यादा स्वच्छता को लेकर के अभियान चल रहा है, और स्वच्छता अभियान के चलते हुए आपको देखा गया कि अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? गंदगी का अंबार लगा है, CEO साहब को कई बार और अपने ज्येष्ठ अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं कि यहाँ पे एक्चुअली कोई स्वीपर का अपॉइंटमेंट नहीं है, और हालांकि हम लोग किसी तरीके से अपने तरफ से सफाई वफाई महीने दो महीने में एक बार अपने तरफ से ही करवा लेते हैं, यहाँ कोई किसी स्वीपर की पोस्टिंग नहीं। स्वीपर की पोस्टिंग ना होने से ये गंदगी का बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सबसे एक अहम समस्या आ रही तहसील दिवसों में और एप्स पे आने वाली शिकायतें, 80% फर्जी पाई जाती है। सर, शिकायत जो देते हैं, शिकायत के फर्जी पाने की तभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि शिकायत भी फर्जी पाई गई है, तभी हमारे संज्ञान में नहीं आया कोई शिकायतकर्ता जो है फर्जी जो है शिकायत कर रहा है, तो उसके अगर क्या कार्रवाई अगर नहीं अगर ऐसा आता है तो उस जो फर्जी शिकायत कर रहा है उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि कोई जो है फर्जी शिकायत कर सर, रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि हम कहने पे हम लोग निस्तारण करते हियर से पे हम लोग जो है नहीं करते, हम लोग
लेते हैं उनसे पूरा एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर जांच कराते हैं। सर एक समस्या आ रही है अवैध कब्जों को लेकर के, अवैध कब्जे जो हो रहे हैं उस पर हमारा एंटी भू माफिया का भी जो है कार्यक्रम चल रहा है, और जो श्रावस्ती मॉडल है उसके माध्यम से भी हम लोग जो है कब्जा मुक्त करा रहे हैं अवैध कर्जेदारों से जो है अपने ग्राम कई बार नोटिस होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, समस्या ये आ रही है। कहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है? साफर से अभी शिकायत आई थी सर, कई बार नोटिस होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा संज्ञान होगा तो तत्काल ठीक सर। ठीक आप देख रहे हैं समाचार।